सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जो है जो पहले मॉडल को थोड़ा रोटेट कर लेना है, आपको फेस जो है साइड पर रख लेना है। इसके बाद जो आपको मॉडल है इसको जिस टाइप से आपको अपने मॉडल का साइज रखना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस मॉडल के नीचे जो है शेडो क्रिएट करनी है। तो गाइस शेडो क्रिएट करने के लिए आपको मतलब शेडो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको आपको मैं यहाँ पे पीएनजी दे दूंगा डायरेक्ट। तो आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको ऐड करना है अपने पीएनजी को। एंड गाइस पीएनजी को मैं पहले नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से नीचे ले आएंगे एंड उसके बाद हम इसको अपने पैरों के नीचे लगा देंगे। तो मैं इसको कुछ स्टेप्स लगाता हूँ एंड उसके बाद आपको इसको मूव डाउन कर देना है। एंड मैं इसको दूसरे वाले पैर पर भी लगा लेता हूँ फटाफट। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है गाइस दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको ऐड करना है एक विग्नेट का पीएनजी। देन गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से ऐड कर देना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको सिंपली अपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी गाइस आपको फोटो में थोड़ी चेंजेस करना है। आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे टूल्स में, फिर आपको जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे इन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पे गाइस साइज आपको छोटा करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कुछ स्टेप से पेंट करना है, यानी कि मतलब डोजन बर्न करना आपको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। सो गाइस इतना करते हैं बाद आपको अपनी फोटो को सेव करके आपको लेके जाना है लाइट रूम ऐप में। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा कम करना है। एंड जो गाइस शेडो है इसको इंक्रीज करना है। जो व्हाइट है गाइस इसको थोड़ा कम करना है। फिर उसके बाद आपको लिखा है ब्लैक, आपको उसको थोड़ा इसको कम करना है। एंड जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना ऑरेंज कलर, यहाँ पे आपको सेचुरेशन कम करना है, ल्यूमिनस अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। देन जाना आपको येलो कलर में आपको उसका ह्यू माइनस करना है, सेचुरेशन प्लस कर देना है। देन आपको जाना है ये डार्क ब्लू में, आपको यहाँ पे चाहो तो आप अपने पैरेट का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं इसका रखूँगा डार्क ब्लू एंड सेचुरेशन प्लस कर दूंगा। फिर जाएंगे हम ग्रीन कलर में, हम यहाँ पे गाइस जो हमारी टी शर्ट है वो ग्रीन है, तो हम इसका ह्यू चेंज करेंगे, सेचुरेशन बढ़ा देंगे। देन जाएंगे हम ऐसे गाइस कलर के नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड फोटो में जो हल्का सा विग्नेट डाल देंगे। देन आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा नोट रिडक्शन डालना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पे गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस ये बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस ऐसा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस इन दोनों में से कोई भी एक व्लॉग पर क्लिक करो एंड इसमें से कोई भी वीडियो को वॉच करो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।